जी, जो संतान में घटना हुई है तो क्या कुछ पुरावा क्या है? वैक्य ये जी हमारे साथ एसडीओ साहब थे साथ में जी। क्या नाम आपको? क्या नाम? मेरा बलिंदर ड्राइवर हूँ जी, मैं गांव ने पिवाड़े से। एसडीओ साहब साथ में थे जी, एसडीओ जी साहब अपनी कार्रवाई कर रहे थे जी कानून के तहत जी। उसके कारण कार्रवाई के बाद हम वापसी बैक निकलने लगे जी रोड पे। उसके बाद जो कंज्यूमर था उसको गांव ने इकट्ठा किया जी, उसको बुलाया गांव, सभी इकट्ठा हो गए और गाड़ी की चाबी निकाल ली जी और रोड पे गाड़ी खड़ी हो गई जी। उसके बाद एसडीओ साहब के भी साथ हाथापाई की जी, कुछ मेरे साथ भी की जी। अनिल जई की तो नीचे घसीट के जी गाड़ी से और धक्का के साथ, लात कोड़ियों के साथ, डंडों के साथ इतना मारा जी जिसकी बेहोशी हालात होगी जी इसको तो जी। उसको जो सभी छोड़ के इधर उधर भग गए जी और बेहोशी हालात में जी वापसी गाड़ी में मैंने ही डाला और गाड़ी में लेकर जी मैं डॉक्टर के पास गया। इसके बाद पुलिस आई जी, उसके बाद थोड़ा बहुत शांत हुआ जी। एक जनरल जो हमारे लाइन मैन है जी वो अभी भी अंदर हैं जी, पुलिस उसकी कार्रवाई कर रही है। अच्छा, गाँव वाले मैं उसमें पूरे गाँव के लोग थे या उसी परिवार के लोग हैं जहाँ आपने चोरी पकड़ी है? ज़्यादा तो जी उसकी टापर उसी के पकड़ गए थे जी। फिर उसकी ग्रुप में मैसेज डाला जी, सभी को बोला, कहा भाई अभी टीम आ रही है बिजली विभाग की, आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? कल पंचायत हुई थी, आप मेरे घर का छापा मारा, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? तो उसके साथ ही गांव में मैसेज डालने के बाद सभी लेडीज महिलाएँ और साथ में पुरुष सभी इकट्ठे हो गए जी। इकट्ठे होने के बाद वहाँ को हमारे को घेर लिया जी। हमने रिक्वेस्ट भी की जी आज जोड़ कर, भाई कोई नहीं आगे से ऐसी गलती आप भी ना करो, हम जो हमारा काम है प्रशासन का तो हम तो हमारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो इससे पहले भी घटना हुई है और जैसे सुरक्षा मुहैया करवाने की बात हुई थी तो आज कोई पुलिस बल था आपके साथ? हमारे साथ एक कांस्टेबल था जी। हाँ जी, तो आज टीम बना के। आज क्या नाम और क्या घटना जैसे आप? मेरा नाम है एजाज अहमद, एसडीओ सबर्बन नरवाना, और आज चोरी पकड़ने के लिए टीम बना के छः आदमी गए थे जिसमें पाँच धमतान साहिब में गए थे चोरी पकड़ने। और वहाँ पे चेकिंग करने के बाद एक लड़का ने उसने गाड़ी का चाबी ले लिया, निकाल लिया और लोगों को फ़ोन करके बुला के, और यहाँ पे जेई साहब को, मेरे को, ड्राइवर को और दो जितने स्टाफ थे सारी को चोट लगी है वहाँ पे, हाथ पैर सारे चलाए हैं वहाँ के लोगों ने। तो कितने लोग घायल हुए हैं? कम से कम 50 से 60 लोग आ गया था वहाँ पे। तो आपकी टीम के लोग कितने घायल हुए? मेरे टीम में 6 आदमी थे, एक मैं था, एक अनिल जई था और एक ईश्वर जई जर्नैल लाइनमैन और एक जगवीर लाइनमैन और एक पुलिस वाला अपना था, सिंचाई विभाग के पुलिस स्टाफ एक था साथ में। तो वहाँ अभी कोई कर्मचारी है जो ग्रामीणों ने जैसे किसी को बंदी बनाया? अभी वहाँ पे एक स्टाफ और एक पुलिस वाला जो मेरे साथ गया था वो अभी वहाँ पे रोक रखे हैं गांव वालों ने अभी उसको आने नहीं दे रहा है। तो लगातार ये जो बिजली कर्मचारियों के साथ घटना हो रही है तो क्या कारण मानते हैं सर? इससे पहले भी 2-3 गाँव लोगों ने चोरी, देखो चोरी कर रहे हैं लेकिन चोरी जब टीम पकड़ने जाती है तो लोगों ने विरोध तो करेगा ही करेगा जब चोरी की उनको लत लग रखी है। तो एक और बात होती है कि घर पर कोई नहीं होता, महिलाओं को लेकर वो भी बात उठाई जाती है। कोई वहाँ पे मैं खुद गया था जय साहब के साथ आज, कोई भी महिलाएं नहीं थी, एक लड़का था और एक और घर का कोई था वहाँ पे। उनको पूछ के मैं बोला कि भाई बिना पूछे घर में नहीं घुसना, उनसे पूछना है कि भाई ये केबल चेक कराओ, आपके घर में केबल जा रही है, एक्स्ट्रा केबल जा रही है, इसको चेक कराओ। तो कितने बजे की ये घटना है? ये 1 बजे के आसपास की है घटना। तो पुलिस प्रशासन को जैसे कोई शिकायत है? पुलिस प्रशासन ने वहाँ पहुँच गई है मौके पे और जैसे हो गए वैसे काम करेगी वहाँ पे। कितने कटने का बोले वही जो 50,000।